अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था पादपों में, तो उसमें एक ही जनक जो है वो भाग ले रहा था। और लैंगिक जनन अगर हम पौधों की बात करें या मनुष्यों की बात करें, तो इसके लिए जो है चाहे वो पौधे हो, तो उसमें लैंगिक जनन में होता क्या है, दोष जो है वो लगेंगे आपको। एक नर रहेगा, एक मादा रहेगा, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो। तो लैंगिक जनन जो है दो उसके लिए दो जनक लगते हैं, ठीक है। उसमें दो लोग जो है दो लोगों के बीच में जो है आपस में जो है निषेचन की प्रक्रिया होगी, तब जो है उसमें जो भी उसका पौधा है, उसका छोटा जो है वो पौधा बनेगा, पेड़ है तो पौधा बनेगा, अगर मान लो मनुष्य है तो उसका छोटा बच्चा बेबी पैदा होगा, जानवर है तो उसका छोटा जो है वो बच्चा होगा। हाँ, ठीक है, यानी संतति जिसको बोला जाता है वो बनेंगे। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। तो जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जनक जो है या दो पैरेंट भाग लेते हैं वो क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे पुष्पी पौधे हैं जिसको आवर्तबीजी पौधे कहा जाता है, ठीक, तो ये जो पौधे हैं इसमें जो है लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे ऐसे वाइट ऐसे निकले रहते हैं, यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है गोल बना रहेगा और एक जो है बीच में ऐसे भाग निकला रहता है। तो यहाँ पर जो है बाकी क्या है आपकी इसका अगर संरचना की अगर बात किया जाए, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये जो बाहर दिख रहा है आपको इसको बाहदल कहा जाता है ना, ये फूल को जो है वो कवर किए रहता है। पहले गली के रूप में रहता था, बाहर तक जो है रहेगा, उसको जो है धक्के रहता है, उसको पंखुड़ियाँ खराब हो उस तरीके से ना। तो इसको क्या कहा जाता है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, बाहदल कहा जाता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये पेटल्स या पंखुड़ियाँ कहलाती हैं, उसकी पत्तियाँ कहलाती है ना, फूल की पत्ती कहलाती है, जिसको जगह भाषा में बोलते हैं। और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, दलदल बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये जो ये भाव निकला दिख रहा है, जिसका ये देखिए आपको अलग से संरचना दिखाई दे रही है, इसको नर जननांग कहा जाता है या पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है आप देख रहे होंगे एक लंबा सा है, इसको तंतु कहा जाता है, इसकी संरचना में तंतु कहा जाता है। ये जो हिस्सा गोल का है इसको पराग कोष कहा जाता है। इसमें जो है ढेर सारे पराग के कण होते हैं, तो यही कण जो है वो जो उसका मादा अंग होगा पौधे का उसमें जाएंगे और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर कई बार आप देखते होंगे कुछ कुछ को फूलों पर, तो फूलों तो उसमें पीला पीला रंग जो है हाथों में लग जाता है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो फूल का ऊपर ही हिस्सा जो है जो स्तर से तो उसमें जो है वो पीला कलर छोड़ता है, इसको नर युग्मक कहा जाता है। अब जैसे अब दो तरीके से इसमें प्रक्रिया हो सकती है, एक फूल से जो है वो लेकर के परागकण मक्खी या मधुमक्खी जो है वो दूसरे के जो है मादा अंग तक पहुंचा दे, और दूसरी प्रक्रिया यह हो सकती है उसी फूल के कण को लेकर के नर जो है हमारा जो पार्ट है उसे लेकर के मादा बीज को पहुंचा दे, तब भी से जैसी प्रक्रिया होगी। अब इसको एक ये भाग आप देख रहे होंगे, इसको क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। इसमें क्या होती है, ओवरी या अंडाशय होती है, इसको वर्टिका कहा जाता है और इसको वर्टिकाग्र कहा जाता है। ये नली रूपनुमा संरचना होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे सांप दिख रहे हैं इसको बीजांड कहा जाता है, और ये जो है इस बीजांड इसके अंदर होते हैं, और ये अंडकोशिका जो है छोटी सी ये दिखाई दे रही है, इसको मादा युग्मक कहा जाता है। तो यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक पौधों में आपने समझा, जैसे आप ये बोतल का आपके फूल लेते हैं, तो इसमें जो है दोनों ही केसर और स्त्री केसर दोनों नरनाम जो है उपस्थित होते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, इसको दोनों नरनाम है। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे पपीते के पुष्प है, तो इसमें नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है, केसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननाम उपस्थित होता है, यानी एक लिंगी पुष्प है। यानी ऐसे पौधे होंगे उसी में कुछ कुछ में नर वाला हिस्सा होगा, कुछ कुछ में मादा वाला हिस्सा होगा। पादपों के जनन में परागकणों का वर्तिकाग्र का स्थानांतरण जो है वो होता है, तभी जो है वो कौन करता है, परागण जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से स्थानांतरण होता है इसमें, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं या तो उसी पौधे से ये यहाँ पे जो नर वाला हिस्सा है उसके जो है अंडाणु से निकल के इसके मादा वाले में चले जाए, या तो ये हो सकता है इसको अगर ऐसा होता है तो इसको स्वपरागण कहा जाता है प्रक्रिया, और या तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे पुष्प से दूसरे पुष्प में कीट पतंग या मक्खियों के द्वारा जो है वो पहुंचे, इसको पर परागण की प्रक्रिया जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर ये या तो वायु से जोड़ के पहुंच सकते हैं, जल
से या जैविक घटक जैसे कीटक उभय प्राणी इत्यादि की सहायता से जो है ये वहाँ इंडिया से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर छोटे छोटे से जो ये है ये इससे जो है हाँ ये इससे जो है इसके अंदर जो है नर युग्मक जो है वो पहुँचते हैं इसके अंदर। जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये छोटी सी नदी का छोटे में अंदर जा रहे हैं यानी एक्सेल कहते हैं। पराग नली से छोड़ा गया एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है जिससे एक युग्मनज यानी जायगोट उत्पन्न होता है। इस प्रकार जनन कोशिकाओं के संलयन से युग्मनज उत्पन्न होने की क्रिया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी तरह दूसरे नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्र को यानी बाइपोलर न्यूक्लियाई से संलयन होकर एक भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है। चूंकि भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन जनन कोशिकाओं का संलयन और नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन होते हैं इसलिए इस परिघटना को हम दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बीजांड में निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होते हैं जिससे इसका परिवर्तन भ्रूण यानी एम्ब्रियो में होता है। भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसी के साथ अंडाशय का परिवर्तन फल में होता है। इस क्रिया के दौरान विश्व के अन्य भाग जैसे बाह्यदर अंकुरिया उकेसर वर्तिका एवं वर्तिकाग्र मुरझाकर गिर जाते हैं। बीजांड का परिवर्तन कठोर कई बार ऐसा देखा होगा कई जो भी फल वाले पौधे होते हैं उसमें सबसे पहले ऐसे फूल से निकलते हैं ना जैसे आम में भी बौर आएंगे तो आपको छोटे छोटे से पहले दिखेगा कि हाँ उसमें फूल से निकले फिर उसके बाद उसके सारे वो पत्तियाँ वो सब झड़ जाएंगे फिर उसके बाद वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्रैल में होता है जो बीज कहलाता है। अब यहाँ पर बीज आपने देखा होगा चना यानी अंकुआ समाहित होता है। भ्रूण अक्ष का भावी प्ररोह यानी फ्यूचर शुगर की ओर भावी जल यानी फ्यूचर हुई संरचना होती है जिसमें भ्रूण का आहार संरक्षित किया जाता है। तो अब आप पादपों में लैंगिक जनन अच्छे से जान गए होंगे। आपके होमवर्क के लिए आप कुछ पुष्पों को एकत्रित कीजिए तथा इनकी संरचना अपने ड्राइंग बुक में बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है तो इस प्रकार से आज पौधों में जो है किस तरीके से जो है जनन की प्रक्रिया होती है और उससे किस तरीके से जो है अगर कोई फूल है तो दूसरा जैसे मान लीजिए उसका अगर मान लीजिए बीज है कैसे बनेगा या कोई फल है तो उसमें उसका फल जो है किस तरीके से किसी पौधे में बनता है तो दो तरीके हैं या तो एक ही पौधे में या एक ही फूल में दोनों चीज़ होती हैं नर वाला पार्ट भी होता है मादा वाला पार्ट भी होता है तो डायरेक्ट स्वयं से भी जो है उसके कण जो है परागकण निकल करके मादा वाले उसमें चले जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है या तो फिर मधुमक्खी या कीट या पानी या हवा के माध्यम से एक फूल से दूसरे फूल में जाएंगे और उसमें फिर प्रक्रिया निषेचन की होती है तो आगे जो है आपका फल बनेगा अगर मान लीजिए फल वाला है और जब फल बनता है तो उसकी पत्तियाँ वगैरह सब गिर जाती हैं और वो फल के रूप में बन जाता है। फल के अंदर एक बीज होता है और वो बीज आपने देखा वो बीज जो है उसमें जो बीज होगा उसका कुछ ना कुछ भाग रहे जैसे मतलब चना है दाल है कोई भी ले रहा है मटर है तो उसमें आप देखते होंगे उसके दो फली टाइप की होती हैं तो उसमें अंदर ही इस तरह का भाग रहता है एक अग्रभाग ऊपर की तरफ जाने के लिए रहता है नीचे की तरफ जाने के लिए रहता है और पोषण उसको उसमें जो इतना अन्न संचित है उसी से मिलता है और वो ऊपर वाला भाग जो है वो पौधे के अगर संतुलन मिला मिट्टी मिली पानी मिला हवा मिला ऑक्सीजन मिला तो अपना भोजन और सूर्य का प्रकाश मिल गया तो अपना भोजन बनाना चालू कर देगा और वो ऊपर की तरफ जो है वो पत्तियाँ निकलने लगेंगी और नीचे की तरफ जो है वो जड़ निकलने लगेगी। इस प्रकार से जो है पादपों में क्या हमने पढ़ा है पादपों में लैंगिक जनन इस तरीके से होता है।